गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। हम पढ़ रहे थे आपकी हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग दो का पाठ पाँच, जिसका शीर्षक है मिठाई वाला। इसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। ये कहानी है एक ऐसे फेरी वाले की जो अलग अलग तरह का सामान बेचता है। सबसे पहले वो खिलौने बेचने आता है, उसके बाद मुरली बेचने आता है और उसके बाद में मिठाई लेकर आता है, यानी रंग बिरंगी टॉफियों जैसी मिठाई लेके आता है। उसकी विशेषता ये होती है कि एक तो वो बहुत ही प्यार से बच्चों से बात करता है, उसका स्वर भी बहुत सुरीला होता है, बहुत ही मीठी आवाज़ में वो आवाज़ लगाता है, साथ ही बहुत ही सस्ता सामान बेचता है। आगे इसमें बताया कि चुन्नू मुन्नू करके दो बच्चे हैं जिनके पिता विजय बहादुर हैं और उनकी माता जी का नाम रोहिणी है। उन्हें उसकी मिठाई वाले की आवाज़ बहुत ही अच्छी लगती है और उन्हें लगता है कि ये कोई भला मानुष है, भला व्यक्ति है, लेकिन मजबूरी में ये काम उसे करना पड़ रहा है। वो बच्चों से जिस तरह से बात करता है मिठाई वाला, उसे भी नोटिस करती है कि इतने प्यार से बच्चों से बात करने वाला आज तक कोई भी फेरी वाला नहीं आया। ज़रूर कोई ना कोई मुसीबत की वजह से ये उसे मिठाई वाले को ये काम करना पड़ रहा है। एक दिन जब वो मिठाई बेचने आता है तो घर में उनके पति नहीं होते, तो अपनी वो दादी सास को बोलती है कि दादी माँ आप जाकर बच्चों के लिए मिठाई ले लीजिए। तो जब वो मिठाई वाले को रोककर मिठाई के बारे में पूछती है तो बताता है कि 1 पैसे की 16 गोलियाँ देता हूँ। तब दादी माँ उससे भावताव करती है और कहती है कि बहुत कम है 16, तो 25 तो दो कम से कम 1 पैसे की। तब वो कुछ बताते बताते रुक जाता है और बोलता है कि नहीं, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता। तब रोहिणी 4 पैसे की मिठाई लेने के लिए बोलती है। अब आगे रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम्हें शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो, यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? तो रोहिणी आगे उससे दादी को कहती कि दादी इनसे पूछो कि पहले भी पहली बार आए हैं इस शहर में या पहले भी आए हुए हैं, क्योंकि इस शहर के तो निवासी तुम लगते नहीं, क्योंकि जिस तरह का हुलिया बताया था जो राहगीर थे उन्होंने, बातचीत करने वालों ने, कि वो बीकानेरी साफा बांधता है, लंबी कदकाठी है, राजस्थान जैसा लगता है, लेकिन तो रोहिणी कहती है कि यहाँ के तुम नहीं लगते, तो पहले भी कभी शहर में आए हो या पहली बार आए हो? तो दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी, यानी कि वापस से जब हम किसी से कुछ कहने के लिए बोलते हैं तो वही बात जब वो रिपीट करता है, दोहराता है, तो उसकी जब कोशिश कर ही रही थी दादी पूछने की जो बात रोहिणी ने कही, तब तक मिठाई वाले ने सुन लिया और उसने बोला कि नहीं, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। तब रोहिणी चिक की आड़ से ही बोली कि पहले भी यही मिठाई बेचने आए थे या कोई और चीज़ लेकर? क्योंकि पहले भी क्या तुम मिठाई जो है यही बेचते थे या कोई और चीज़ बेचते थे? तब मिठाई वाला हर्ष यानी कि खुशी, संशय यानी कि कुछ शक या कुछ चिंता, और विस्मय यानी कि कुछ आश्चर्य जैसे भावों में डूबकर बोला कि उसे कुछ खुशी भी हुई कि याद भी है या इस तरह पूछना चाह रहा है, मेरे बारे में कोई जानना चाहता है, आश्चर्य भी हुआ। तो उसने उस सब मिले जुले भावों में डूबकर कहा कि इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने बेचने। तो ये रोहिणी ने अनुमान लगाया था कि ये वही व्यक्ति हो सकता है, तो उसका अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर उठी, यानी कि उसे और भी बहुत सी बातें जानने की इच्छा हुई कि वह ऐसा काम क्यों करता है। तो इसीलिए उसने पूछा कि इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा, क्योंकि इतने सस्ते सामान वो बेचता है, तो उससे क्या लाभ होता होगा उसे? अब आगे वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ।
सो कैसे वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तो तब और भी बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। मिठाई वाला फिर आगे बोलता है कि मिलता भला क्या है, यानी कि इतने जो व्यवसाय हैं जिनमें इतना सस्ता सामान मैं बेचता हूँ उससे भला क्या मिलता होगा। मिलता तो कुछ नहीं है, बस खाने भर को मिल जाता है कि मेरा गुजारा हो जाता है। खाना मिल जाता है दोनों टाइम का, और कभी कभी वह भी नहीं मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा जो मुझे चाहिए, संतोष, धीरज और असीम सुख, यानी कि जो मुझे जिसकी चाहिए, जैसे कि खुशी, एक सेटिस्फेक्शन, और जो असीम सुख मिलता है बच्चों से बातें करके, वो ज़रूर मुझे मिलता है और वही मैं चाहता हूँ, इसीलिए मैं यह व्यवसाय कर रहा हूँ। तो आगे रोहिणी पूछती है कि वो कैसे, वह भी बताओ कि जब खाने पर को भी कई बार जब नहीं मिलता है फिर भी तुम्हें ये सब इन व्यवसायों से मिलता है, तो वो कैसे, वह भी बताओ। तब जो फेरी वाला है वो कहता है कि उन व्यर्थ की बातों की चर्चा क्यों करूं, उन जो बेकार बातें हैं अब उनके बारे में क्या बात करना, उन्हें आप जाने ही दें, उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। तो रोहिणी कहती है कि कोई बात नहीं, जब इतना बताया है तो और भी बता दो कि क्या वजह है जो तुम ऐसा व्यवसाय करते हो। मुझे बहुत उत्सुकता हो रही है, मैं जानने की बहुत इच्छा है, और तुम्हारा हर्जा न होगा। हर्जा कहते हैं नुकसान का, तो तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, मिठाई में और भी ले लूँगी। कि तुम यहाँ रुककर अपने बारे में बताओगे तो इतने समय में तुम और भी मिठाई बेच सकते थे पूरे गली मोहल्ले में घूमकर, तो उतनी देर में तुम्हें नुकसान होगा, लेकिन उसका भरपाई मैं और मिठाई लेकर कर दूँगी, इसलिए तुम्हें हर्जा नहीं होगा, यानी तुम्हें नुकसान नहीं होगा। आगे अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था, स्त्री थी, छोटे छोटे दो बच्चे भी थे, मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी, बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसीलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसे जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी है, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। तो जब रोहिणी उसको और बताने के लिए पूछती है, उसके कारण पूछती है कि ऐसा क्यों करती, मतलब इतना ऐसा क्यों कर रहे हो आप, या इस तरह कम पैसों में व्यवसाय अपना चला रहे हो जिसमें कई बार खाने को भी नहीं मिलता है। तो आगे जानने की इच्छा होती, तब मिठाई वाला कहता है कि बहुत ही अतिशय, यानी कि बहुत ज़्यादा गंभीरता के साथ मिठाई वाला कहता है कि मैं भी अपने नगर का बहुत ही प्रतिष्ठित आदमी था, बहुत मान सम्मानित व्यक्ति था, और मेरे पास भी सब कुछ था जो प्रतिष्ठित व्यक्ति के पास होता है, जैसे मकान, व्यवसाय भी अच्छा था, गाड़ी घोड़े, यानी उस समय मोटर कारें तो होती नहीं थी, तो घोड़ा गाड़ी या इस तरह की ही वाहन है वो होते थे, तो उसके पास भी घोड़ा गाड़ी वगैरह थी, नौकर चाकर भी थे, सब कुछ था, पत्नी और बच्चे भी थे, जो दो छोटे बच्चे थे, वो मेरा सोने का संसार था, यानी कि सभी सुख सुविधाओं से भरा पूरा मेरा संसार था। संपत्ति भी थी, वैभव था, संपत्ति खूब, और जो सांसारिक सुख है यानी बीवी, पति, पत्नी, बच्चे, वो सारा सुख था। और जो संपत्ति होती, यानी कि जो वैभव का सामान है, सारे घर का जो सामान होता है वो भी था। स्त्री भी बहुत सुंदर थी जो कि मेरी प्राण थी, बच्चे भी बहुत सुंदर थे और ऐसे लगते थे जैसे कि सोने के सजीव खिलौने हो, इतने सुंदर बच्चे थे, और उनकी जो बदमाशियां हैं, अटखेलियां हैं, उनकी वजह से पूरे घर में कोलाहल मचा रहता है, यानी शोर शराबा घर में बना रहता था। लेकिन समय की गति या कालचक्र या फिर ऐसा समय आया कि
अब कोई भी नहीं है, पत्नी और बच्चे कोई नहीं बचा, सब खत्म हो गए। और दादी माँ को वो मुखातिब होकर दादी माँ की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि दादी प्राण निकाले नहीं निकले, यानी कि मैं भी मरना चाहता था लेकिन नहीं मर पाया, इसीलिए अब उन बच्चों की खोज में, जो मेरे बच्चे थे जो अब नहीं हैं, उन्हीं की खोज में मैं ये सब कर रहा हूँ। हो सकता है अंत में वे सब कहीं ना कहीं तो वापस जन्मे ही होंगे, तो वे भी इन्हीं जो बच्चे हैं उन्हीं में से कोई होंगे, इसीलिए इन्हीं बच्चों में उन्हें ढूंढता हूँ। अगर मैं उस तरह से उनको याद कर करके एक ही जगह अपने घर में बैठा रहता तो मैं घुट घुट कर मर जाता, भूलकर रोते रोते ही अपने प्राण गंवा देता, लेकिन इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा कि मैं जो दूसरे बच्चे हैं उनमें अपने बच्चों की झलक को पा जाता हूँ। उन्हीं के लिए अब मेरा जीवन मैंने लगा दिया है, तो इसी का मुझे सबसे बड़ा सुख संतोष है। और इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की झलक भी मिल जाती है, कुछ बच्चे उसे अपने बच्चों जैसे ही लगते हैं, तो उनकी झलक से ऐसा लगता है कि वो भी मेरे आसपास ही हैं और इन्हीं के बीच में उछल कूद कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की तो मुझे कोई कमी नहीं है, और अगर कमी होती भी है तो इस तरह से थोड़े बहुत पैसे तो मिल ही जाते हैं इन व्यवसायों में। और जो नहीं है, यानी कि जो बच्चे अब मेरे नहीं रहे, उनकी जो कमी है वो मैं इस तरह से बच्चों से बातचीत करके, बच्चों के साथ हंस बोलकर उस कमी को पूरा कर लेता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आँखें आंसुओं से तर हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए, रोहिणी से लिपट कर उनका आँचल पकड़ कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज़ की दो पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। दादी बोली, अरे अरे न अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो जब उसने अपनी कहानी सुनाई कि किस तरह से उसकी पत्नी और बच्चों की मृत्यु हो जाने के बाद जो बच्चों की कमी थी उसे पूरा करने के लिए, अपने उन्हीं बच्चों को ढूंढने के लिए वो इन व्यवसाय को करता है, ताकि जो बच्चे दूसरे बच्चे हैं उन्हीं के बीच हो सकता है और उसके बच्चों ने फिर से जन्म लिया होगा, तो उन्हीं की झलक जो छोटे बच्चे हैं उनमें मिठाई वाले को मिल जाती है, इसीलिए उन्हीं के बच्चों का साथ पाने के लिए वो इन व्यवसाय को कर रहा है। ऐसा जब उसने बताया तब रोहिणी ने उसकी तरफ देखा, मिठाई वाले की तरफ, तो देखा कि उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं, यानी कि उसकी आंखों में अपने बच्चों को याद करके आंसू भर आए हैं उसकी आंखों में। और उसी समय चुन्नू मुन्नू भी आ गए घर में और रोहिणी से रिपट कर अब मिठाई मांगने लगे। तब जो मिठाई वाला है उसने बच्चों को बोला कि मुझसे लो, और इस तरह दो पुड़िया बनाकर बच्चों को दे दी और वहाँ से जाने लगा। रोहिणी ने पैसे दिए भी उसकी तरफ फेंके, लेकिन उसने पैसे नहीं लिए और ये कहा कि इस बार ये पैसे नहीं लूँगा। लेकिन दादी पीछे से उसको आवाज़ लगाती रह गई कि अरे भाई अपने पैसे तो लेते जा, लेकिन तब तक वो दूसरी गली में पहुँच चुका था और फिर से वही आवाज़ सुनाई पड़ने लगी उसकी, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो ये था हमारा पाठ मिठाई वाला।